मी इथं उभा याचा अर्थ तुमचं बोलणं बंद झालं पाहिजे, तुमचं फालतू बोलणं बंद झालं पाहिजे. लास्टचा क्वेश्चन आपला बाकी होता. आपण जे काय रूल्स बघितले, ज्याचा तुम्ही घरी जाऊन खूप सराव केलेला आहे, ठीक आहे, त्या रूल्सचा वापर करून आपल्याला काय करायचं आहे, ट्रू विदाउट युजिंग ट्रूथ टेबल आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. किती बघितले होते आपण? किती बघितले होते? तीन. तीन बघितले होते. एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 मध्ये क्वेश्चन नंबर 3, त्यामधला चौथा, निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू इम्प्लाइज पी एंड निगेशन क्यू. This is logically equivalent to P or negation Q and negation P or Q. ठीक है, अब इसको हमें प्रूव करना है उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करके कैसे किया जाए. चले LHS लिया जाए. LHS कोई बताएगा मुझे इम्प्लीकेशन का निगेशन क्या लिखते हैं हम लोग? निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन क्या होता है? चलिए अगर मैं आपको पूछता हूँ कि निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है, ओम आप बताएगा? नहीं आता. ओम नरोडे बताएगा? सोनू ने बताएगा? क्यू इम्प्लाइज. बेटा मैंने पूछा इसका निगेशन क्या होता है? पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू. देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है वो इक्विवेलेंट होता है निगेशन पी और क्यू से. पी इम्प्लाइज क्यू लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है इससे. तो जब इम्प्लीकेशन का निगेशन लिखना होता है तब सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर हम डी मॉर्गन लॉ यूज करके इसका निगेशन लिखते हैं. तो इसका निगेशन क्या होता है? निगेशन ऑफ निगेशन पी और की जगह एंड आएगा और इसका निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन आता है स्टेटमेंट इटसेल्फ, तो पी एंड निगेशन. तो पी इंप्लाइज क्यू जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका निगेशन कैसे लिखा जाता है? पहला स्टेटमेंट एंड निगेशन ऑफ दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है, पी एंड निगेशन क्यू. अब यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा पहला स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा पहला स्टेटमेंट है. इम्प्लाई ये पूरा का पूरा दूसरा स्टेटमेंट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इम्प्लाई सेकंड स्टेटमेंट, इसका निगेशन क्या होगा? पहला स्टेटमेंट एज इट इज, देखो यहाँ पर पहला एज इट इज लिखा है एंड सेकंड का निगेशन लिखा है. तो पहला स्टेटमेंट मेरे लिए क्या है? पी और निगेशन क्यू जैसे के वैसा, एंड दूसरे का निगेशन, दैट इज पी एंड निगेशन क्यू का निगेशन. Since by negation of implication. या फिर negation of condition. अब बेटा जो प्रूव करना है उसकी तरफ देखिए. पहला ब्रैकेट आ चुका है हमारे पास, आया है. तो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, पहले ब्रैकेट कुछ नहीं करेंगे ऐसे रखेंगे. एंड दूसरे ब्रैकेट का निगेशन बताइए बाय डी मॉर्गन्स लॉ. हाँ उन नरोडे बताएगा क्या आएगा इसका निगेशन? बेटा सिंपली इसका निगेशन करना है. क्या आएगा निगेशन? कंजंक्शन का निगेशन क्या होता है? डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? निगेशन पी एंड निगेशन क्यू. निगेशन पी एंड की जगह आएगा और निगेशन ऑफ निगेशन पी. So this is equals to P or negation Q and negation P as it is or negation का negation statement itself. ये तो प्रूव करना था. और रीजन क्या है यहाँ पर? since by डी मॉर्गन्स लॉ. since by डी मॉर्गन्स लॉ. बेटा आप पढ़ नहीं रहे हो घर पे, पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है, आंसर आने चाहिए आपको. तो ये हमने विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल हमने ये प्रूव कर दिया है कैसे किसी स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करके छोटा से छोटा बनाया जा सकता है. हमें यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा था प्रूव करने के सिलसिले में पूछा था जो हमने कर दिया है.
ठीक है। अब चलिए आप पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर वन के अंदर, क्वेश्चन नंबर वन के अंदर क्या करना है, यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। निगेशंस के रूल्स का इस्तेमाल करके आपको नीचे दिए गए जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनका निगेशन लिखना है विद जस्टिफिकेशन, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला आता है इसके अंदर जिसका हमें निगेशन लिखना है, निगेशन क्यू इंप्लाइज पी। तो बेटा इस स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है तो आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू इंप्लाइज पी। अभी इंप्लीकेशन का निगेशन लिखना है तो इसको अगर खींच के बड़ा करना है, एक तो आपको सीधा सीधा इंप्लीकेशन पता होना चाहिए कि पी इंप्लाइज क्यू का इंप्लीकेशन निगेशन क्या होता है, पहला स्टेटमेंट एज इट इज एंड दूसरे का निगेशन, सही है। तो पहला स्टेटमेंट आप क्या करेंगे, एज इट इज एंड दूसरे का निगेशन, सिंस बाय निगेशन ऑफ इंप्लीकेशन, ये जस्टिफिकेशन हो गया, ये हमें पता है। या फिर यहाँ पर ये लिखने के बजाय आप ऐसा भी लिख सकते हो, सिंस आपको अगर रीजन लिखना है, सिंस बाय निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू पी एंड निगेशन क्यू, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दिस, खत्म हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा आल्टा पी एंड निगेशन क्यू, ये क्वेश्चन दिया इसका निगेशन लिखना है तो क्या करेंगे, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड निगेशन क्यू, दिस इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू पी, मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, क्या करेंगे पहले का निगेशन निगेशन पी एंड की जगह और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, सिंस बाय डी मॉर्गन्स लॉ, सिंस बाय डी मॉर्गन्स लॉ, तो दिस इज इक्वल्स टू निगेशन पी और निगेशन का निगेशन स्टेटमेंट क्यू, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए लॉ के अंदर बताइए, निगेशन का निगेशन दिया क्या बोला इसको, लॉ जो कल बताए थे फोटो खिंचवा के लेकर गए थे ना, लिखे कि नहीं, आइडेंटिटी बोलते हैं डी मॉर्गन, डी मॉर्गन कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन इन्वोल्यूशन लॉ दिख रहा है, इन्वोल्यूशन लॉ में क्या दिया हुआ है, निगेशन ऑफ निगेशन, फिर निगेशन ऑफ ट्रू, निगेशन ऑफ फॉल्स, ये है कि नहीं इन्वोल्यूशन लॉ के अंदर। तो आपने यहाँ पर क्या किया, निगेशन का निगेशन लिखा ना स्टेटमेंट इटसेल्फ, तो ये कौन से लॉ के तहत आता है, इन्वोल्यूशन, सिंस बाय इन्वोल्यूशन, सिंस बाय इन्वोल्यूशन लॉ कहते हैं। तीन पी और निगेशन क्यू, पी और निगेशन क्यू, तो सॉल्यूशन इसका निगेशन बेटा पी और निगेशन क्यू, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पहले का निगेशन और एंड दूसरे का निगेशन ऑफ निगेशन, तो पहले का एज इट, पहला एज इट इज रहेगा एंड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, तो पहला रीजन आएगा सिंस बाय डी मॉर्गन्स लॉ, सिंस बाय डी मॉर्गन्स लॉ, और दूसरा आएगा सिंस बाय इन्वोल्यूशन लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ। चौथा पी और पी और निगेशन क्यू, सर फर्स्ट क्वेश्चन का सा जरा मैं एंड आर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट दोनों का क्या मतलब, निगेशन लावला तो एक निगेशन कर दो एलवाई जो होता ना, पहला क्वेश्चन मध्ये हा रूल असतो पी इंप्लाइज क्यू से निगेशन हे येत असत, दोनों जागेवर काय म्हटलं आपण कळते का, पी इंप्लाइज क्यू से निगेशन हे काय येत असत, कारण पी इंप्लाइज क्यू से इक्विवेलेंट स्टेटमेंट असत निगेशन पी और निगेशन और क्यू, जर तुम्हाला ह्याचं निगेशन काढायचे तर तुम्ही ह्याला निगेशन लावता आणि ह्याचं निगेशन काय येतं पी एंड निगेशन क्यू, म्हणून तुम्ही इम्प्लिकेशनचं डायरेक्ट निगेशन कसं लक्षात ठेवता, पहिलं स्टेटमेंट जसं तसं इम्प्लिकेशनच्या जागी अँड आणि दुसऱ्याचं निगेशन, म्हणून मी इथं काय केलं पहिलं स्टेटमेंट जसं तसं इम्प्लिकेशन जागी अँड दुसऱ्याचं निगेशन, रूल लक्षात ठेवा। तर इसका निगेशन लिखना आहे बेटा, सो निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू एंड अब यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट को एक स्टेटमेंट समझिए, तो डी मॉर्गन्स लॉ कैसे अप्लाई होगा, ये एक स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट ऐसे जोड़ा गया है, तो निगेशन लेंगे तो पहले का निगेशन मतलब पहले ब्रैकेट का निगेशन पी और निगेशन क्यू एंड की जगह और दूसरे का निगेशन, तो इसका निगेशन क्या आएगा, अब ये अगेन डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ आएगा सिंस बाय डी मॉर्गन्स लॉ,
और यहाँ इसके लिए अगेन डी मॉर्गन लगाना पड़ेगा, तो पहले का निगेशन और ये और की जगह आएगा एंड और निगेशन ऑफ निगेशन, और इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि अंदर एंड है और निगेशन आ सिंस बाय अगेन यहाँ पर क्या आएगा डी मॉर्गन। अब ये निगेशन भी एज इट इज एंड निगेशन ऑफ निगेशन स्टेटमेंट इटसेल्फ और निगेशन आर सिंस बाय इनवोल्यूशन लॉ। निगेशन का निगेशन लिखा ना तो क्या है स्टेटमेंट इटसेल्फ, तो इसको क्या बोलेंगे इनवोल्यूशन। ठीक है दरअसल कलर तो बेचारा अब स्टेटमेंट क्या दिया है पी इंप्लाइज पी और निगेशन क्यू ये दिया है। हाँ अब बेटा इसका निगेशन लेना है पी इंप्लाइज पी और निगेशन क्यू बताइए दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन क्या होता है पहला स्टेटमेंट एज इट इज इंप्लीकेशन के साइन की जगह एंड और दूसरे का निगेशन तो दूसरा तो ब्रैकेट होगा पूरा का पूरा निगेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा सिंस बाय आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू क्या लिखते हैं हम लोग पी एंड निगेशन क्यू। ठीक है और यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई होगा पी एंड ब्रैकेट के अंदर ये अंदर चला जाएगा निगेशन और की जगह एंड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। ठीक है सिंस बाय डी मॉर्गन्स लॉ। हाँ अब बेटा इनवोल्यूशन लॉ लगेगा पी एंड निगेशन पी एज इट इज एंड निगेशन का निगेशन स्टेटमेंट इटसेल्फ तो सिंस बाय इनवोल्यूशन लॉ। ठीक है सिक्स के अंदर सिक्स में आपको स्टेटमेंट दिया है निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और पी और निगेशन क्यू इस पूरे का निगेशन लेना है तो दिस सॉल्यूशन निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड क्यू और पी और निगेशन क्यू तो इस स्टेटमेंट का निगेशन और की जगह एंड इस स्टेटमेंट का निगेशन डी मॉर्गन्स लॉ इसको पूरे को इस निगेशन कैंसिल हां हो जाएगा सेकंड से ये पूरा एक स्टेटमेंट पकड़ी ये पूरा दूसरा पकड़ी हां समझ रहे हो। तो पहले का निगेशन मतलब निगेशन ऑफ निगेशन पी सर निगेशन कॉमन कार्ड कौन सा निगेशन 19 आपको निगेशन का ये इस स्टेटमेंट का निगेशन लेना है ना बेटा तो बाहर निगेशन लिया ना हमें स्टेटमेंट का निगेशन फाइंड आउट करना है तो निगेशन लिया है हमने कॉमन पे कोई सवाल नहीं हर स्टेप में क्या कर रहे हैं इसका निगेशन लेना है तो निगेशन लिया है। तो पहले स्टेटमेंट का निगेशन और की जगह एंड और दूसरे का निगेशन पी और निगेशन क्यू तो इसका निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा स्टेटमेंट से तो ये पी एंड क्यू आएगा एंड इधर का डी मॉर्गन लॉ लगेगा निगेशन पी एंड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू तो यहाँ दोनों जगह पर लॉज देखिए यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ आएगा सॉरी यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ आएगा क्योंकि इससे ये स्टेप ऑप्टेन हुआ है यहाँ से ये स्टेप में इन्वोल्यूशन आएगा और डी मॉर्गन्स आएगा दोनों भी आएगी। ठीक है अब यहाँ पर अगेन इन्वोल्यूशन आएगा पी एंड क्यू एंड यहाँ पर आएगा बेटा निगेशन पी एंड निगेशन ऑफ निगेशन अगेन सिंस बाय इन्वोल्यूशन यहाँ पर आएगा इन्वोल्यूशन कहते हैं। ठीक है आपको मैंने इसलिए तुरंत ये करने के लिए बोला था क्या इसलिए तो सॉल्व कीजिए बोला था ताकि प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन बचे रहेंगे आपके पास। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेवन प्योर निगेशन क्यू इंप्लीकेशन पी और निगेशन क्यू इंप्लीकेशन इंप्लीकेशन पी एंड निगेशन क्यू तो इसका निगेशन लेना है तो निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू इंप्लीकेशन पी एंड निगेशन क्यू पी और निगेशन क्यू ये पूरा पहला स्टेटमेंट है दूसरा स्टेटमेंट है इंप्लीकेशन का निगेशन कैसे लिखा जाता है पहला स्टेटमेंट एज इट इज दैट इज पी और निगेशन क्यू एज इट इज एंड दूसरे का निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। ठीक है हां अब बेटा पहले स्टेटमेंट में कुछ करने जैसा है ही नहीं उसको एज इट इज रखिए एंड दूसरे को डी मॉर्गन्स लगा दीजिए तो निगेशन पी और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू तो सिंस बाय डी मॉर्गन्स और यहां पर पी और निगेशन क्यू एंड निगेशन पी और निगेशन का निगेशन स्टेटमेंट इटसेल्फ तो सिंस बाय इनवोल्यूशन। ठीक है हां सर
सर थर्ड स्टेप मध्ये आपण ते लिहायचं ना बाय निगेशन ऑफ पी इम्प्लिकेशन ऑफ क्यू की तर वरती ना हां इथे लिहावं लागेल थर्ड लेयर मध्ये इथे इम्प्लिकेशन ऑफ क्यू येतो ना सिन्स बाय निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन किंवा सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये सिन्स बाय निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन काय इम्प्लिकेशन जो मग हे हे रीजन लेयर ते तर खाली लिहिलं आहे हे तर सर पाचवे मध्ये थर्ड स्टेप हां हे negation of implication karte liya so to lunge to art solve karna karna so to lunge to the art solve kela stop karte to the other that so to nahi samajh nahi lunge karke pura question kar puchi sagas le aata last question negation of 8 number na 5 question negation of 8 negation p or negation q or p and negation q to yacha tumhala negation lihayche barobar negation p form lagle negation of this एक स्टेटमेंट है दूसरे स्टेटमेंट है डी मॉर्गन्स का अप्लाई करो एंड लॉ इज फक्त नेगेशन ऑफ पी और चलिए एंड नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन क्यू तो इधर डी मॉर्गन्स का सीन्स बाय क्यू और डी मॉर्गन्स सीन्स बाय डी मॉर्गन्स लॉ परत याला डी मॉर्गन्स का डी मॉर्गन्स P negation of negation P and negation of negation Q or negation P or negation of negation Q since again by P or law negation of negation statement itself and negation B or negation of negation statement itself Q since by रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन इफ देन चा वापर न करता खाली दिलेलं स्टेटमेंट परत एकदा लिहून काढा इफ अ मॅन इज जुगे तो बेटा यहाँ पर इफ देन को हटा के इस स्टेटमेंट का बगैर मीनिंग बदले आपको इसको लिखना है तो यहाँ बेटा आपको बगैर इसका मतलब बदले और बगैर यूजिंग इफ देन इसको लिखना है हाउ यू आर थिंकिंग टू राइट दिस स्टेटमेंट ए बघा तुम्ही मला स्टेटमेंट घाणेरड्या पद्धतीने सांगू नका तुम्ही काय विचार करताय ते सांगा काही बोलता तरी तुम्ही तुम्हाला काय म्हटलेले ह्या स्टेटमेंटला लिहायचे याचा अर्थ न बदलला पाहिजे आणि इफ आणि देनचा वापर नाही करायचा अरे पहिले तर तुम्ही जुडके कोचेस बोल रहे हो और दूसरा गलत बोल रहे हो आता इथं हेच यालाच म्हणतो आपण की अरे तू आन्सर बघतोय तरी मी तू हे नाही कळत तुला की त्यांनी काय केले नाही
डेन चला गया और नाइन सर टेन नहीं है स्केल है ना निगेशन ऑफ पावर सर करनी अरे त्यांनी काय केलं हे स्टेटमेंट पी इम्प्लिकेशन क्यू मध्ये आहे तुम्हाला हे माहिती पाहिजे की याचं इक्विवेलेंट स्टेटमेंट निगेशन पी ऑर क्यू असतं मग याच्या जागी याचा वापर केला तर युद्धीन हटून जातो और येऊन जात हे इथं सुचायला सूचना आवश्यक होत कसलं बोलत होतो बरं इथं फॅक्ट समोर असताना पण असेल सारखेच येईन की तू सारखे काही बघतो आपलं एक चुकीचं बोलायचं त्याला रेट येते परत त्या सारखेच येईल काय सारखे आपण काय बोललो होतो माणसं मतदार समजून घ्या लॉजिक समजून घ्या उठलं की आपल्या सर सारखेच येईन सारखं आहे नाही आहे इथं काय महत्वाचं होतं समजणं की पी इम्प्लिकेशन क्यू कंडिशनल स्टेटमेंट होतं त्याचं लॉजिकल इक्विवेलेंस जो आहे त्याचा वापर करून तुम्हाला लिहिता यायला पाहिजे हे इथं समजणं महत्वाचं आहे तर द्यायचं यायला पद्मश्री पुरस्कार आई बी आपल्या लगेच लक्षात घ्या हे पी इम्प्लाईज क्यू आहे तर तुम्हाला याला निगेशन पी ऑर क्यू लिहिणं आवश्यक होतं ते सारखं जरी असलं ते तुमच्या अज्ञानातून येत असेल तर त्याचा काय फायदा आहे पुढच्या वेळेस तुम्ही काही लिहित दुसरं म्हणतात थोडंफार सारखंच आहे आणखी काही लिहित म्हणतात दूरचं नाते म्हणते आणखी मग याला जर इद्यांचा वापर न करता लिहायचा असेल तर तुम्हाला असं लिहावं लागेल निगेशन पी म्हणजे पहिला स्टेटमेंट मॅन इज जुडगर त्याला पी म्हणा आणि ही इज ऑनेस्ट त्याला क्यू म्हणा पी मग मॅन इज नॉट जुडगर काय लिहिणार तुम्ही निगेशन ऑफ पी म्हणजे मॅन इज नॉट जुडगे मॅन इज नॉट जुडगे और ही इज ऑनेस्ट ऑनेस्ट कळते हे झालं डेनचा वापर न करता इक्विवेलेंस लॉजिकल इक्विवेलेंस स्टेटमेंट दिली उरलेले दोन दिले त्यांना तसंच करायचं सांगा बरं आता इफ टू इज टू इज रॅशनल नंबर देन रूट टू इज रॅशनल नंबर टू इज रॅशनल नंबर लिया 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 टू इज नॉट रॅशनल नंबर और टू इज नॉट रॅशनल और रूट टू इज रॅशनल नंबर एफ ऑफ टू इज झिरो देन एफ ऑफ एक्स इज डिव्हिजिबल बाय ए x minus 2 is not equal to 0 then sorry or or is divisible by x minus 2 kale yes sir lakshat aalo yes sir ma kaal zale tar maaz nahi sir nahi sir pahile yaje ka nahi sir chala आता सिट बॅक रिलॅक्सली अँड वॉच ए शॉर्ट मूवी ठीक आहे लेजेंड पर्सनॅलिटी इन्स्टॉल होऊ शकत एक लक्षात घ्या तुम्ही आता आपण शेवटच्या पडावर आहोत लॉजिकच्या ठीक आहे एक ही जी तुम्ही वायरिंग पाहताय त्याच्यामुळे ट्यूब जळालेली आहे जळलेली दिसते ना मग मला एक सांगा हे स्विचेस असतात जे करंटचा फ्लो चालू करतात पास देतात किंवा रोखून ठेवतात बरोबर आहे मग तुम्ही एक सांगा स्विचचं नेचर कसं असतं स्विच दोनच पद्धतीनं वर्क करतं एक तर ऑन नाही तर ऑफ मधला काही मार्ग असतो का स्विच कडे मधला मार्ग येतो काही जे काय स्विच जे आहे ते एक तर ऑन असू शकतं किंवा ऑफ असू शकतं मग यांनी रिझेम्बलन्स पाहिला कशामध्ये स्टेटमेंट मध्ये आणि स्विच मध्ये काय कसला रिझेम्बलन्स पाहिला आपलं स्टेटमेंट पण एक तर ट्रू असतं तर फॉल्स असतो मधला मार्ग आहे का काही आपल्याकडे नाही बरोबर आहे मग एक तर स्टेटमेंट आपलं ट्रू राहील किंवा फॉल्स राहील तसं स्विच पण ऑन राहतं किंवा ऑफ राहतं लक्षात येते का मग त्यांनी काय म्हटलं जी काही आपण थिअरी स्टेटमेंट साठी मांडलेली आहे त्याचा वापर आपण स्विचेसच्या ऑन ऑफ साठी वापरू शकतो का
आणि जर तसं वापरता आलं तर एखाद्या सर्किटमध्ये खूप साऱ्या स्विचेसचा वापर केलेला आहे तर ते स्विचेस मिनिमाइज कसे करता येतील ह्याच्याबद्दल विचार केला जाऊ शकतो. का मिनिमाइज केले जाऊ शकते, कारण की तुम्ही एखाद्या मोठ्या स्टेटमेंटला निगेशनचा वगैरे जे लॉज बघितले त्यांचा वापर करून सिम्पल स्टेटमेंटमध्ये कन्वर्ट करता येऊ शकतो. म्हणजे एखाद्या सर्किटमध्ये 7-8 स्विचेस लावलेले आहेत, बरोबर आहे का, 7-8 स्विचेस लावलेले आहेत, तर त्या स्विचेसला मिनिमाइज करण्यासाठी तुम्ही या लॉजचा वापर करू शकता जर ह्या स्टेटमेंटच्या थेरी सोबत जर रिझेम्बलन्स असेल तर. रिझेम्बलन्स कसा फाइंड आउट केलाय की एखादं स्टेटमेंट काय असू शकतं, स्टेटमेंट काय असते एखादं ट्रू किंवा फॉल्स, ट्रू किंवा फॉल्स, फॉल्स ट्रू किंवा फॉल्स. एखादं स्टेटमेंट ट्रू किंवा फॉल्स असतं तसं स्विच SWITCH स्विच ऑफ किंवा ऑन, ऑन किंवा ऑफ असतं. आता इथून पुढे लक्षात घ्या, ऑन ला आपण स्विच इन क्लोज्ड पोझिशन म्हणणार, क्लोज तर ते क्लोज म्हणजे ऑन आणि ओपन म्हणजे ऑफ. स्विच इज ओपन म्हणजे ऑफ, म्हणजे करंट इज नॉट फ्लोइंग, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट फ्लोइंग. कळते? मग इकडे याला जसे स्टेटमेंटला दोन आहे, एक तर स्टेटमेंट दोन पॉसिबिलिटीज आहेत, तसंच स्विचेसला पण दोन पॉसिबिलिटी. कळते? मग आता तुम्ही ज्यावेळेस म्हणतात की स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड, तर स्विच इज क्लोज्डला आपण ट्रू स्टेटमेंट असं आपण समजणार आहे. असोसिएशन काय केलं आपण, आपण असोसिएशन करतोय, थेरी आपल्याला लक्षात आली, रिझेम्बलन्स आहे, मग आपल्याला त्याच्यासोबत मॅचअप करायचंय. तर स्विच इज क्लोज्ड म्हणजे बल्ब चालू राहणार, फॅन चालू राहणार. स्विच इज क्लोज्ड म्हणजे काय, करंट फ्लो होणार, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती. मग स्विच इज क्लोज्डला आपण ट्रू स्टेटमेंट म्हणतो. कळते? कारण स्टेटमेंट ट्रू असणं किंवा फॉल्स असणं हे आपल्या नॉलेजवरती डिपेंड आहे ना. आपण म्हटलं की बाबा टू इज इव्हन नंबर, टू इज इव्हन नंबर म्हटलं किंवा टू इज द ओनली इव्हन नंबर विच इज अ प्राईम नंबर. आता हे जे स्टेटमेंट आहे ट्रू आहे का फॉल्स आहे हे कसं करणार, तर आपण काहीतरी गोष्टी मांडून ठेवलेल्या आहेत त्याच्या आधारावर आपण ट्रू किंवा फॉल्स म्हणतो. कळतंय का? मग तसं आता स्विचच्या दोन पॉसिबिलिटीज आहेत, मग कोणत्या पॉसिबिलिटीला तुम्ही ट्रू समजणार किंवा कोणत्या पॉसिबिलिटीला फॉल्स समजणार, तर आपण काय म्हटलं की बाबा ज्यावेळेस लाईट चालू होत असेल तर त्याला आपण ट्रू समजतो. लाईट कधी चालू होते, स्विच जेव्हा क्लोज असतो. मग स्विच क्लोज्ड पोझिशन मे जब रहेगा तब उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू. और ट्रू को हम लोग ट्रूथ टेबल में टी से डिनोट करते हैं, तो इधर हम 1 से डिनोट करेंगे. आ रही बात समझ में? हाँ सर. और जब स्विच इज ओपनर, स्विच इज ओपनर रहेगा तब इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. तब बल्ब जलेगा कह रहे नहीं, उसको रिप्रेजेंट करें हम जीरो से. ठीक है? अब बेटा होता क्या है, दो तरीके के अरेंजमेंट हमें देखने हैं. ठीक है? दो तरीके के अरेंजमेंट रहेंगे स्विचेस के. अगर आपके पास दो स्विच है, दो या दो से ज्यादा स्विचेस है, हम लोग दो स्विच के लिए देखते हैं क्योंकि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है ना. मतलब देखो ऐसा है कि किसी सर्किट के अंदर, सर्किट कळतं का तुम्हाला, सर्किट कळतं. आता हे सर्किट आहे इथं, एवढे मोठे एसी लागलेले आहेत, फॅन आहे, लाईट आहे, बल्ब आहे, ते मेन ठिकाण जिथून इलेक्ट्रिसिटी जाते या सगळ्यांना चालली इलेक्ट्रिसिटी. लक्षात येते का ते एक सर्किट कम्प्लीट होत असतं. मग तुमच्याजवळ काय दोन पद्धतीचे अरेंजमेंट्स आहेत, एक आहे पॅरलल अरेंजमेंट, एक आहे पॅरलल स्विचेसची पॅरलल अरेंजमेंट. ठीक आहे? लाइट या फिर बल्ब जो भी समझ में. ठीक है? इसका ज्यादा हमें इम्पोर्टेंस नहीं है. ठीक है? ये नीचे का पार्ट नहीं भी करते हम लोग, और सीधा अगर ऐसे भी कर देते हैं तो समझ में आता है इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, तो नीचे की बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी है और ये लैंप है,
ठीक है एक तो बैटरी है लैंप है पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रहा है। अब ये जो स्विचेस का अरेंजमेंट है ये S1 है S2 है दो स्विचेस है एक को बोलते हैं S1 एक को बोलते हैं S2 तो इनका जो अरेंजमेंट है वो पैरेलल अरेंजमेंट है ठीक है जी सर। स्विचेस का क्या होगा ये पैरेलल अरेंजमेंट और सीरीज अरेंजमेंट कैसे होता है तो इसमें से एक भी अगर ओपन रहता है ओपन मतलब जहां से करंट नहीं पास हो सकता तो दूसरा क्लोज रहेगा मतलब बल्ब कब जलेगा जब दोनों में से एक भी ओपन रहेगा सॉरी दोनों से एक भी क्लोज रहेगा दोनों में से एक भी स्विच अगर क्लोज होता है तो क्या होता है लाइट जल सकती है लाइट जल सकता है दोनों से एक भी और दोनों क्लोज रहे तो सोने उनकी उड़ा मज्जा से मज्जा ये दनादन करंट आ रहा है इधर से और इधर से ये गुजर जा रहा है बल्ब के अंदर ये बल्ब चल रहा था ना बेटा इग्नोर करना ऐसे लोगों को ऐसे समाज में जो ऐसे लोग होते हैं ठीक है तो बेटा ऐसे बच्चों को इग्नोर करना ठीक है हाँ ऐसे बच्चों को जो बीच बीच में पक पक की आवाज तो बच्चों मुझे आप बताइए ये जो आपको आकृति यहाँ दिख रही है जिसके अंदर दो स्विचेस है जिनका पैरेलल अरेंजमेंट है पैरेलल का मतलब समझते तो इसमें हो क्या रहा है एक भी स्विच अगर क्लोज है तो भी बल्ब जल रहा है और दोनों भी चालू दोनों भी चालू फिर तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ यहाँ क्या हो रहा है एक भी बंद है एक भी मतलब एक भी ओपन है तो बल्ब जलेगा नहीं कई बोले हाँ तो आप सोचना कम करोड़ होता है आपका सोचने का तरीका समझिए खत्म मुझे आप बताइए ये स्विच ओपन है मान लो और ये चालू है करंट यहाँ से यहाँ तक आएगा आगे बढ़ेगा ही नहीं यहाँ से यहाँ तक आएगा क्योंकि ये ओपन है दोनों अगर दोनों चालू है तो ही करंट बल्ब तक पहुंच सकता है ठीक है अरे सीधी सी बात है ना अरे बाबा को कोई मतलब ही नहीं इसके अंदर आप शांत रहो आप मूर्ख हो दोनों आप समझिए बात को जब दोनों भी क्लोज होंगे when switch is closed दोनों भी तभी जाके करंट पास होगा जी एक भी ओपन रहेगा तुम्हें तो ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट उधर के कंपाउंड स्टेटमेंट में से किससे रिजेंबलेंस कर रहा है क्या ये और को रिजेंबलेंस नहीं कर रहा एक भी स्टेटमेंट ट्रू तो पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू ध्यान नहीं बेटा आपका एक भी है तो पूरा पहले एक भी स्टेटमेंट ट्रू एक भी स्विच क्लोज तो भी बल्ब जलने वाला है तो ये और के साथ रिजेंबलेंस है इसका और इसका एंड के साथ है दोनों भी चालू होने चाहिए दोनों ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू होगा ठीक है हाँ तो इस उधर जो होता है वो ट्रुथ टेबल होता है और इधर होता है इनपुट आउटपुट टेबल इधर क्या होता है इनपुट आउटपुट टेबल तबले तबले इनपुट आउटपुट तबले तबले ठीक है और ट्रुथ टेबल के अंदर हम लोग क्या करते थे कि दो स्टेटमेंट्स है जो कंजंक्शन डिसजंक्शन से जोड़े गए हैं उनकी सारी पॉसिबिलिटीज हम लोग देखते थे दो स्टेटमेंट की सारी पॉसिबिलिटीज देखते थे ना कि दोनों ट्रू ट्रू होंगे तो नतीजा क्या निकलेगा उसी तरीके से यहाँ पर भी दो स्विचेस है तो ये दोनों क्लोज रहेंगे एक क्लोज एक ओपन रहेगा एक ओपन एक क्लोज रहेगा तो उस सिचुएशन में बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा आई बात समझ में तो जो ये वाला अरेंजमेंट है और ये वाला अरेंजमेंट है इनका स्विचिंग टेबल कैसे होता है जिसको हम इनपुट आउटपुट टेबल बोलते हैं ठीक है तो इनपुट आउटपुट टेबल कैसे आता है ये हम लोग अभी ड्रॉ करेंगे तो जो पैरेलल वाला सिस्टम है उसका रिजेंबलेंस किसके साथ है बेटा डिसजंक्शन
डिसजंक्शन के साथ में, और जो सीरीज वाला है वो कंजंक्शन के साथ में। तो अब आप हम लोग देखेंगे यहाँ। अच्छा, अब क्योंकि इसका स्विचिंग टेबल लिख रहे हैं, उससे पहले आपको एक बार दिमाग में फिक्स कर लेनी है कि इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। कितने डिफरेंट स्विचेस है? दो, S1 एंड S2। तो ये आपका फिक्स रहेगा। P डिनोट्स स्विच S1 इज क्लोज्ड, स्विच S1 इज क्लोज्ड, एंड Q डिनोट्स स्विच S2 इज ओपन क्लोज्ड। आप जो भी स्विचेस लेंगे उनको क्लोज्ड ही एज्यूम करना है। आप क्लोज्ड एज्यूम कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी क्या लेंगे आप कि दोनों क्लोज्ड है या फिर एक क्लोज्ड है एक ओपन है, इस तरीके से, ठीक है? तो हम लोग क्या कहने वाले हैं कि स्विच S1 इज क्लोज्ड, स्विच S2 इज क्लोज्ड। ये दो स्विचेस आपने P और Q से डिनोट कर दिए, तो P और Q अब इनपुट आउटपुट टेबल लिखने जा रहे हैं। अब जो पैरेलल अरेंजमेंट है स्विचेस का, स्विचेस इन पैरेलल अरेंजमेंट। सर क्लोज ओपन तो सर यूज कर मैंने फक्त S1 स्विच S1 नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूं। हमें उसको क्या समझना है कि वो स्विच जो है उस तो पोजीशन समझेंगे हम। नहीं सर, मैं तो ये चल गया तने जर समझाऊं P घेतलं तो एकच पॉसिबिलिटी तयार होणार आहे। और आप उसको मैं बोलता हूं ना, आगे आप समझिए, आप समझिए, आगे कुछ देखना है। मैं क्या कह रहा हूं कि जो आपके पास स्विच है उसको हमने बोल दिया कि P जो है वो डिनोट कर रहा है स्विच S1 इज क्लोज्ड है, और दूसरा क्या कर रहा है स्विच S2 इज क्लोज्ड है, ठीक है? दोनों स्विचेस को हमने क्लोज्ड पोजीशन पे, P और Q दोनों क्या कर रहे हैं उसके क्लोज्ड पोजीशन को डिनोट कर रहे हैं। अब स्विचेस इन पैरेलल तो क्या होगा, स्विच S1 और स्विच S2 P एंड Q। अब इन दोनों को आप किससे जोड़ रहे हो? P और Q से, मतलब पैरेलल अलाइनमेंट है तो आप P और Q बोलेंगे। अब आप मुझे बताइए, दोनों स्विचेस क्लोज्ड है, दोनों स्विचेस क्लोज्ड है, ये क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है दोनों स्विचेस क्लोज्ड है? तो अगर दोनों स्विचेस क्लोज्ड है तो हम लोग क्या डिनोट करेंगे? टू, मतलब लाइट चल रहा है, 1-1। अब क्या हो सकता है, एक स्विच क्लोज्ड तो 1 और दूसरा स्विच ओपन तो 0। बात समझ रहे हो आप? ठीक है, आपको करना क्या है, स्विच की कोई भी एक पोजिशन उससे डिनोट करेंगे, बाद में आप क्या करेंगे उसको, या तो दोनों भी ट्रू है या फिर एक ट्रू है एक फॉल्स है, फिर एक फॉल्स है एक ट्रू है और दोनों भी फॉल्स है, तो 0-1 and 0-0। तो P और Q क्या होगा, अगर दोनों भी क्लोज्ड है तो लाइट जलेगा, मतलब 1, ठीक है? अगर दोनों में से एक भी क्लोज है तो भी क्लोज्ड है, समझे? और जब स्विचेस इन सीरीज रहेगा तब 1-0-0-0 मेन चीज क्या होता है सबसे पहले कि आपको या तो सिंबलिक फॉर्म में किसी स्विचेस का अरेंजमेंट दिया है उसको आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है, या फिर डायग्रामेटिकली दिया है उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको सिंबलिकली। अब अगर यहाँ पर भी कोई स्विच अगर क्लोज्ड है तो उसका निगेशन क्या होगा, स्विच इज ओपन। तो अगर मान लो कि इसी अरेंजमेंट में मैं अगर आगे कुछ ऐसा दे देता हूँ, एक और स्विच बढ़ा लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ S1-, तो S1- का मतलब क्या है, जो भी स्विच S1 का पोजीशन रहेगा उसका विपरीत इसका पोजीशन रहेगा, क्योंकि S1- होता है निगेशन ऑफ S1। तो निगेशन ऑफ किसी भी स्विच के निगेशन को डिनोट करने के लिए ऊपर डैश लगाया जाएगा। तो अगर मैं S1 क्या बोल रहा हूँ, स्विच S1 इज क्लोज बोल रहा हूँ P को, तो ये क्या बन जाएगा, अगर जिस समय मैं स्विच S1 को क्लोज पकड़ रहा हूँ उस समय इसको मुझे क्या लेना पड़ेगा, ओपन। समझ रहे हो बात को? तो ये जो अरेंजमेंट है तो ये अरेंजमेंट में सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये अरेंजमेंट में सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, P and Q दोनों क्या है, पैरेलल पोजीशन में है, और इन दोनों से सीरीज में जुड़ा हुआ है निगेशन ऑफ P। समझे बात को? हाँ सर, करते हैं क्या? हाँ सर।
इसलिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लिया है क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है और इन दोनों को ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। कर देगा सर तो ऑरिल का एंड थ्रेड कौन सा एंड थ्रेड है ठीक है सर पैरेलल मध्ये लागू शकत का कसं S1 चा S1 नाही हेच तर मी तुम्हाला सांगतोय ना हा S1 च्या पॅरलल मध्ये असताना कसा राहिला असता माहिती का असा राहिला टीम लाइन आला इतर राहिला असता सीरीज सीरीज झाले सर तुम्ही काय म्हणताय सर तीन नंबर नाही मला पण मीने काय विचारलं होतं हा S1 च्या पॅरलल मध्ये कोण हा हा S1 च्या पॅरलल मध्ये कसं आहे तीनों पैरेलल चाहिए तो तीनों पैरेलल के एलिमेंट ये होता है S1 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 S
नोट करते हैं फिर समझेंगे आपको। पहले इतने इतना लिख लो फिर हम समझते हैं, फिर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे अलग अलग। पहले इतना कर लो, चलो ये बेसिक है, पहले ये लिख लो। इनपुट आउटपुट टेबल लिख लो, ये दोनों ये सब इम्पोर्टेंट है, लिख लो फास्ट, फिर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा कल मिलते।